अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आज बनाने जा रही हूँ वाइट चिकन पास्ता। बहुत ज़बरदस्त और डिलीशियस के साथ बनता है, ये ज़रूर आप ट्राई करें। ये कुछ मेरे इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मैंने लिया है 200 ग्राम पास्ता। पास्ता आप किसी भी शेप में ले सकते हैं। ये है काली मिर्च, और ये लिया है मैंने नमक, और ये ली है कुटी मिर्च, 4 कलियाँ लहसुन की, मोज़रेला चीज़, 1 ब्रेस्ट चिकन पीस का बड़ा, बटर, मक्खन, और ये लिया है मैंने मैदा फ्लोर, और ये है ऑर्गेनो, और ये है जैतून का तेल। ऑयल आप जो भी यूज करते हो वो आप कर सकते हैं। ये मैंने ली है एक छोटी प्याज, ये ली है मैंने गाजर, ये मैंने स्वीट कॉर्न, कैप्सिकम रेड और ग्रीन, आप जो भी डालना चाहें वो आप डाल सकते हैं इसमें, वेजिटेबल्स जो आपको अच्छी लगती हो। चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। जी मैंने एक लिया है खुला बर्तन, उसको पानी को अच्छी तरह बॉइल कर लिया है। इसमें मैंने बड़े 3 ग्लास पानी डाला है। इसे बॉइल आने तक अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून ऑयल। ऑयल डालना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे पास्ता जो है वो चिपके नहीं। और हम 1 टीस्पून डालेंगे नमक, क्योंकि पास्ता में नमक नहीं होता, इसलिए हम इसमें ये ऐड करेंगे। अब बॉइल्ड आने पर इसे अच्छी तरह इसमें अब हम डाल देंगे अपने पास्ता। पास्ता आप किसी भी शेप में ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। 15 मिनट्स के लिए हम इसे कुक करेंगे ताकि हमारे अच्छे से पास्ता बॉइल्ड हो जाए। अब पास्ता हमारे बिल्कुल कुक हो चुके हैं, देखिए इसी तरह से आपको रखने, बिल्कुल ये रेडी है। अब हम इन्हें छान लेंगे चलनी में ताकि इसका पानी निकल जाए। अब पास्ता हमने निकाल लिया है, इसकी ओवर कुकिंग करने की वजह से फिर हमने इसमें ये नॉर्मल वाटर इसमें डाल दिया था ताकि ये और ना पके। तो इसी तरह से ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। और अगर इसमें आप पानी ना डालें तो इसमें आप ऑयल लगा लें। अब ये मैंने एक पैन लिया है, मैं इसमें डालूंगी 2 टेबलस्पून ऑयल। अब हम इसमें डालेंगे ये प्याज, प्याज को हमें ज्यादा ब्राउन नहीं करना है, पिंक का कलर आ जाए तभी हमें इसे और वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे ये वेजिटेबल्स, सब इसमें ऐड कर देंगे। ये मैंने आधी शिमला मिर्च ली थी, आधी रेड वाली ली थी, और एक छोटी प्याज ली थी, और 3 टेबल स्पून मैंने लिए थे स्वीट कॉर्न। अब अच्छे से हम इसे फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून काली मिर्च, फिर हम इसे हल्के से चला लेंगे। और हमें लो फ्लेम पे हमें रखना है। अब हम इसे निकाल लेंगे। अब मैंने ले लिया है ये पैन, पैन में 1 टेबल स्पून में डालूंगी ऑयल। ऑयल में डालूंगी मैं लहसुन की कलियां जो मैंने आपको दिखाई थी चॉप करी हुई बारीक। अब इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। लहसुन का कलर हमारा चेंज होना शुरू हो गया है, गुलाबी कलर का होने लगा। अब इसमें हम ऐड कर देंगे ये चिकन, इसको अच्छी तरह हमें इसमें फ्राई करना है लहसुन के साथ। इसमें डालेंगे अब हम काली मिर्च, 1/2 से भी कम, 1/2 से कम नमक। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसको लो फ्लेम पे हम ढक के पकाएंगे, इसमें पानी बिल्कुल नहीं जाएगा।
चिकन खुद अपना पानी छोड़ेगा। देखिए इस तरह से हो गया। अब इसे हम 10 मिनट के लिए कुक करेंगे। अब ये 10 मिनट हो चुके हैं चिकन को हमारे, ये देखिए इसने खुद अपना देखिए कितना पानी छोड़ा है। अब इस पानी को हमें खुश करना है फुल फ्लेम पे। ये देखिए कितना पानी छोड़ा है और ये हमारा चिकन बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसका पानी खुश कर लें, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चिकन देखिए बिल्कुल सही हो चुका है, बिल्कुल खुश हो चुका है इसका पानी। अब इसी टाइम हम डालेंगे 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, कुटी मिर्च और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। चलिए मैं आगे दिखाती हूँ नेक्स्ट इसका। चलिए अब बनाते हैं क्रीम। क्रीम लेने के लिए हमने लिया है 4 टेबल स्पून हमने लिया है बटर। बटर आप कोई सा भी ले सकते हैं। तो इस चीज का आप ध्यान रखें, जितना आप बटर लेंगे उसके ही बराबर आप मैदा लेंगे जब भी आप व्हाइट पास्ता बनाएं। तो अभी ये हमारा मेल्ट हो रहा है बटर, अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये मैदा। चार टेबल स्पून ये है मैदा, जितना बटर उतना ही आपको मैदा लेना है और मैदे को अच्छे से हमें भून लेना है। भून जब तक लेना है जब तक इसमें से खुशबू ना आ जाए, कलर भी चेंज हो जाए इसका। तो इसी तरह हमें चलाते रहना है। अब देखिए हमारा मैदा अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे फुल क्रीम दूध। दूध आप जब डालेंगे ध्यान रखें अच्छे से इसको चलाते रहना है ताकि इसमें फुटकी सी ना जमे। अब हम मिल्क ऐड कर रहे हैं। इस तरह आपको चलाना है। और लो फ्लेम पे कर देना है इसे। ताकि एकदम ये थिक ना हो और इसमें फुटकी ना बने। और सब चारों तरफ से हमें इसे एक सा कर लेना है। ये देखिए आप थिकनेस आने लगी है इसमें और एक भी इसमें फुटकी नहीं पड़ी। अब हमने लो फ्लेम कर दिया है इसकी। और इसकी पहचान ये है जब आपकी क्रीम रेडी हो जाए तो ये पीछे से इस तरह से दिखने लगेगी कंसिस्टेंसी इसकी, मगर अभी ये हुई नहीं है। देखिए अभी आप स्पून चमक रहा है, थोड़ी सी और पकेगी। चिकन पास्ता की क्रीम देखिए बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून रखेंगे हम काली मिर्च और 1/2 ही हम रखेंगे नमक। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून ऑरेगानो। अब इसमें हम ऐड करेंगे चिकन, ये वेजिटेबल्स अब हमें ऐड करना है इसमें पास्ता। ये देखिए आप कितना जबरदस्त लग रहा है। अब हम इन्हें सबको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसीलिए आप कोई खुला बर्तन लें जब भी आप पास्ता बनाएं ताकि सब अच्छे से मिक्स हो जाए। तो 5 मिनट्स के लिए अब हम इसे कुक करते हैं। देखिए व्हाइट चिकन पास्ता बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इसमें करेंगे मोज़रेला चीज ऐड। 2 टेबल स्पून मैंने मोज़रेला चीज डाली है। अब इसको इसके साथ मिक्स करेंगे। ये कितनी जबरदस्त लग रही है। ये देखिए व्हाइट चिकन पास्ता हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। ये देखिए अब मैं डालूंगी इसके ऊपर से थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर 1 पिंच, थोड़ा सा हम डालेंगे ऑरेगानो लिफ्ट।
ये देखिए हमारा जबरदस्त पास्ता बिल्कुल रेडी है। इसी तरह से आप बनाएं, इंजॉय करें बच्चों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मैं हाजिर होती हूँ। अल्लाह हाफिज़।